तीसरी बार हार का दुख कांग्रेस पार्टी समेत इंडी गठबंधन को इतना सता रहा है कि अब ये लोग देश विरोधी ताकतों से मिलकर भारत में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल भारत में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। हाल ही में हिंडनबर्ग की SEBI पर आए रिपोर्ट आधारहीन और महज भारत के स्टॉक मार्केट को गिराने की एक साजिश है। इन विदेशी संस्थाओं का भारत को लेकर ऐसी टिप्पणी करना कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से जब जब संसद का सत्र चलता है तो भारत के विरोध में विदेश से कोई रिपोर्ट आ ही जाती है। पिछले साल की हिंडनबर्ग रिपोर्ट BBC डॉक्यूमेंट्री बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले जारी की गई थी। इन सब से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस हमेशा से ही भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत को तोड़ने का प्रयास करती रही है। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों को ये समझ लेना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की उनकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी।